हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे, विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लाइट, ये जो आपको तीन टर्म्स दिख रही है ना, सबसे पहले हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर में देखी है, तो एटमॉस्फेयर और वर्ल्ड की बात करें तो वो बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगी। तो हम छोटे से एग्जांपल से, बहुत ही इजी से एग्जांपल से एक चीज़ को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूम है, आप किसी रूम में हैं और उसमें आपको अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से देख पाते हैं। विदाउट लाइट, या वी कैन से कि वी कांट सी इन द डार्क, तो इट मींस कि हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर जब अगर लाइट कम हो तो भी हमें चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती। तो ओवरऑल हमें चीज़ दिखाई किसकी वजह से दे रही है, लाइट की वजह से। अब लाइट हमारे रूम में आने के दो ही सोर्स होते हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर आपके रूम में कोई विंडो है तो वहाँ से सनलाइट आ सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ दिन में पॉसिबल है। और अगर नहीं तो जो आज की डेट में सब यूज़ करते हैं, CFL लाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं, या फिर नॉर्मल कोई ट्यूब लाइट या बल्ब या कोई भी ऐसा सोर्स जो कि मैन मेड है। तो ये दो सोर्सेज होते हैं लाइट के, कि हमारे रूम में आई लाइट और हमने चीज़ों को देखा। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को देखने की, तो हमारे पास सिर्फ एक सोर्स होता है जिसको लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें लाइट के बारे में हम और पढ़ने वाले हैं। तो देर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट, सच एज बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम। अब बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम का मतलब कि जैसे हमें ये पता है कि लाइट के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम साउंड की बात करते हैं तो हमें मीडियम की नीड होती है। जैसे कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, या फिर आप कोई भी दो जने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में साउंड एयर होता है। तो ऐसे साउंड को नीड होती है, बट लाइट को किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। बट मैंने यहाँ पे फिर भी लिखा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, तो यहाँ पे जो मीडियम की बात हो रही है, यहाँ बेसिकली ये बता रखा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम है, यानी कि एक कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है, कोई ग्लास स्लैब है, उससे लाइट पास कर रही है, या वाटर में लाइट पास कर रही है। आपने देखा होगा बाल्टी में पानी भर के, या फिर किसी मग या किसी कप में आप पानी भर लेते हैं और उसमें टॉर्च मारते हैं तो लाइट आपको थोड़ा नीचे भी दिखाई देती है। देन सेकेंड वन इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्टार्स, स्टार्स से जो इमेजेस बनती हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो हमें दिखाई देती है, और ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें रेनबो में दिखाई दिए। ये सब लाइट के फिनोमिना हैं। और ये सब कैसे होता है, या फिर ये सब हम कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपसे वन वर्ड में मैं बोलूँ कि जो लाइट है उसका पाथ क्या होगा, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करेगी, तो पाथ ऑफ लाइट स्टेट। तो इसका एग्जांपल आपके पास खुद, आप खुद हैं। अगर आपको कोई चीज़ देखनी होती है तो आप अपनी आईज से देखते हैं। आईज से जब आपकी एक रे निकलती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखना होता है उसके ऊपर एक रे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन वर्ड से आया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी एग्जांपल समझिए कि आपकी आई से एक रे निकली और वो आपको रिफ्लेक्ट करके वापस से उसी पाथ पे वो बाउंस बैक करती है, तो आपको कोई चीज़ विजिबल होती है। सो वन बाय वन हम तीनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है लाइट। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी, मतलब लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है या रेडिएशन है जिसकी वजह से हमें कोई चीज दिखाई देती है। देन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच विद अ वेवलेंथ विच कैन बी डायरेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। तो जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर इसकी एक वेवलेंथ है जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है या पकड़ पाती है, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। उसके अलावा इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ स्पेक्ट्रम वर्ड आपको बता दूं मैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब कलर्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर कलर का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवीजन। एंड रेडिएशन गिवन ऑफ बाय स्टार्स लाइक द सन एक्सेट्रा। लाइट
एग्जिस्ट इन अ टाइनी एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो फोटॉन्स होते हैं उनमें लाइट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो थी, ये तो आपके पास एक डेफिनेशन थी कि लाइट बेसिकली होती क्या है। उसके अलावा हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये उन्हीं से ही है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। जो लाइट है उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देन लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, लाइट, इसका मतलब ये है कि जो लाइट का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और वेव भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब एक छोटा डॉट टाइप में हो गया, और वेव्स जो जैसे ओशन में या फिर रिवर में जब हम वेव्स पढ़ते हैं या साउंड वेव्स आपने पढ़ी होंगी, तो यहाँ वो वेव्स की बात हो रही है। देन लाइट कास्ट शेडो। अब लाइट जहां पे भी पड़ती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो होती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। रात के टाइम पे आपने देखा होगा शेडो नहीं होती है, हमें दिन में सन की वजह से या फिर आपके रूम में लाइट की वजह से आपको शेडो पता चल सकती है। तो लाइट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो देती है। और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दोनों की सेम ही होती है, तो वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको मार्क करिएगा, और आपको लर्न होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जब कभी भी लाइट किसी भी सरफेस पे या ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो वो बेसिकली दो ही फिनोमिनाज होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन होता है। और हमारे चैप्टर का नाम भी है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो लाइट वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा शॉर्ट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे लाइट का पड़ना और सेम पाथ से उसको बाउंस बैक हो जाना। वहीं रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का क्रॉस हो जाना, इट मींस कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाना, या फिर लाइट किसी सरफेस पे पड़ी और उसके आर पार निकल गई, तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर लाइट सेम डायरेक्शन से बाउंस बैक कर जाती है या दूसरी डायरेक्शन में सरफेस के ऊपर से ही चली जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से क्लियर करने वाले हैं, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कभी भी लाइट बाउंस बैक करती है किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये एक डायग्राम आपको गिवन है और ये बहुत बार आप देखने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। नीचे आपको जो दे रखा है ये एक मिरर है, यानी कि प्लेन मिरर है, और ऊपर मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। तो वी कैन से कि नॉर्मल हमेशा प्लेन के मिरर के परपेंडिकुलर में ड्रॉ होता है। अब यहाँ पे देखिए एक रे आ रही है जो कि मिरर पे स्ट्राइक करती है, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। जब ये रे यहाँ नीचे स्ट्राइक करती है तो ये मिरर से टकरा कर वापस से बाउंस बैक कर जाती है दूसरे साइड में, तो इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब हमारी इंसिडेंट रे, जब एक साइड से एक रे आई और वो दूसरी साइड चली गई जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला, तो उस टाइम पे हमारे दो एंगल्स बनते हैं नॉर्मल पर। पहला एंगल जो कि इंसिडेंट रे से बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड एंगल आई से उसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे स्मॉल आई आप यूज करेंगे। देन जब रे बाउंस बैक करी या ऐसे स्ट्राइक करके वापस उधर चली गई, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इस केस में आप देखिए एंगल आई इज इक्वल टू आर, ये आपको एक मैंने रिलेशन दे रखा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है, फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इट मीन्स कि यहां से एंगल आई इज इक्वल टू आर, तो ये आपको पहले वाला डायग्राम में दिख गया होगा। देन सेकेंड पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये तीनों चीजें, सबसे पहले इंसिडेंट रे ये वाली रे, देन रिफ्लेक्टेड रे वो ये वाली रे हो गई, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, यानी कि ये जो नॉर्मल आपको गिवन है ये तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई करती हैं या फिर एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कि प्लेन मिरर पे। तो इस लाइन का मतलब यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब रिफ्लेक्शन को और आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को क्लियर करना होगा, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन में आगे पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स और मिरर्स के टाइप, तो उसमें आपको ये टर्म्स पहले क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड बहुत बार यूज होने वाला है, इमेज। अब जो इमेज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। तो इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अब इस लाइन को एकदम अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब होता है एक्चुअली मीट का मतलब कि वो सच में मीट कर रही हैं, और अपीयर टू मीट इट मीन्स कि वो हमें लग रहा है कि मीट कर रही हैं बट वो होती नहीं है, मतलब कि ये हमारा इमेजिनेशन वाला केस है और जो एक्चुअली मीट है वो रियलिटी है। तो इमेज में हमारे दो टाइप्स होंगे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब इमेजेस के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज रियल इमेज एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। जब रियल इमेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट, जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो उस टाइम पे रियल इमेज बनती है। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको ये। एंड इसके अलावा इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है, और ये टर्म इन्वर्टेड होती है, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। अब एक एक से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला एक्चुअली मीट, इसका मतलब कि जो इमेजेस बनेंगी वो एक्चुअल में बन रही होती है, उसकी जो लाइंस मीट करेंगी वो एक्चुअल में मीट करते हैं, इसमें हमारी कोई इमेजिनेशन नहीं होती है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट कि इसे हम स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर में आपने देखा है इतनी बड़ी स्क्रीन पे मूवी चल रही होती है, तो वो रियल इमेज का एग्जांपल है कि आपने उसको स्क्रीन पे ले लिया। देन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा होना, उल्टा। जैसे कि अगर आप मिरर में किसी चीज को देखते हैं तो आपको लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में, यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखा जाता है, ताकि हम किसी भी व्हीकल के साइड मिरर में देखें तो हमें वो सीधा दिखाई दे। तो ये था आपका रियल इमेज में। देन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा अपीयर होती है, इट मीन्स कि वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है बट ऐसा हमें लगता है कि वो मीट कर रही है, तो वो हमारी एक तरीके से इमेजिनेशन हो सकती है। उसके अलावा कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिलती है। और लास्ट टॉपिक इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी होती है, सीधी बनती है। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें हम प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। तो वन बाय वन हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये इमेज वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उन मिरर्स में बार बार आपकी इमेज बनने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।